देवो भव। दोस्तों, आजकल पितरों का मौसम चल रहा है। हर बेटा बहू लगे हैं कि अपने पितरों को भोजन करवा दें, पानी पिलवा दें, उनकी आत्मा को तृप्त कर दें। ऐसे में नजर आते हैं काले कौवे या फिर शुद्ध देसी ब्राह्मण जो पितरों के लिए टिफिन ले जाने का काम करते हैं। यानी कि अगर पंडित जी ने भोजन कर लिया या फिर काग देवता ने भोजन ग्रहण कर लिया तो समझ लीजिए स्वर्ग लोक में बैठे हमारे पितरों को भोजन मिल गया। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि ये टिफिन सेवा कितनी उपकारी और कितनी लाभकारी है। श्राद्ध माह की अति मन भावन कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। पितृ देवता स्वर्ग में कैसे भोजन पाते हैं हम कथा सुनाते हैं। कागोर पंडित कैसे टिफन का काम चलाते हैं, काम चलाते हैं। स्वर्ग में कैसे भोजन पाते हैं हम कथा सुनाते हैं। पंडित पितरों को भोजन पहुंचाते हैं, भोजन पहुंचाते हैं। पितृ देवता स्वर्ग में कैसे भोजन पाते हैं हम कथा सुनाते हैं। पखवाड़ा आते ही लोगों के अंदर अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव जाग जाते हैं। जीते जी माँ बाप को पानी तक नहीं पूछा, मरने के बाद देसी घी के हलवा पूरी खीर कौवे को खिलाते हैं। जैसे कि कौवा खा लेगा तो इनके पितरों का पेट भर जाएगा। पंडित जी पानी पी लेंगे तो पितरों की प्यास बुझ जाएगी। कुछ लोगों को तो श्राद्ध के नाम से बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है क्योंकि उनके चाहे दिखावे के लिए ही सही, पर पितरों का श्राद्ध तो करना ही पड़ता है ना। माता पिता दादा परदादा स्वर्ग में बैठे जाए, बेटा यहाँ से क्रोधित होकर काग को राजमाए। छत के ऊपर काग राज के खाना दिया है डाल, श्राद्ध महीने में होता है घर घर का यही हाल। काग राज भी इंसानों की फितरत गए हैं जान, अच्छी तरह से इंसानों को काग गए पहचान।
कौवे श्राद्ध माह में मौज उड़ाते हैं, हाँ मौज उड़ाते हैं। पितृ देवता स्वर्ग में कैसे भोजन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आज का मतलब ही इंसान खुशी से श्राद्ध नहीं करता, बल्कि वो डर के कारण पितरों का श्राद्ध करता है। डरने का मुख्य कारण है कि अगर श्राद्ध ना किया तो पितर नाराज हो जाएंगे, अगर पितर नाराज हो गए तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, कारोबार रोजगार में घाटा होने लगेगा, परिवार के ऊपर संकट आ सकता है, घर में कलेश होने लगेगा, लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। इन बातों के डर से लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं, पिंड दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वस्त्र दान और भोजन का दान करते हैं। डरता है पितरों के क्रोध से आज का हर इंसान, तभी तो ये डर के करता है पितरों का पिंड दान। कुछ तो ब्राह्मण भोज कराए, कुछ तो करें भंडारे, पितृ अगर प्रसन्न हुए तो चमक उठेंगे तारे। खोल के दिल से खर्चा करते बड़े बड़े कंजूस, बन जाते हैं दान श्राद्ध में सारे मक्खी चूस। कोई जाए गया बनारस तो कोई हरिद्वार, पापी करने चले हैं पितरों का उद्धार। वैसे इनको माता पिता कभी याद न आते हैं, हाँ याद न आते हैं। पितृ देवता स्वर्ग में कैसे भोजन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लोग कितने अंधविश्वास में जी रहे हैं, कौवे के हाथों पितरों को टिफिन भेज रहे हैं, ब्राह्मण को भोजन करवा के ये समझ रहे हैं स्वर्ग में हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। जो भाव भावना उनके मरने के बाद जगी है, उनके जीते जी जागी होती तो इनको जीते जी ही स्वर्ग मिल गया होता। जीते जी तो माता पिता का पूछा कभी न हाल, उनके नाम पे बांट रहे हो आज क्यों रोटी दाल। चाहे कर ले दान तू बंदे, चाहे कर तू भंडारे, एक ना एक दिन आगे होंगे सारे पाप तुम्हारे। तुम जो करोगे आज वही कल बेटा करे तुम्हारा, भी अब होने लगा बंटवारा। बड़ा भाई करे माँ का श्राद्ध और छोटा करे पिता का, बंटवारा अब आगे होगा अग्नि और चिता का। बड़े भाई क्यों माता पिता को अग्नि लगाते हैं, हाँ अग्नि लगाते हैं। पितृ देवता स्वर्ग में कैसे भोजन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। और कथा प्रेमियों, ये
प्रचलन भी शुरू हो चुका है कि अगर दो भाई हैं तो एक भाई माँ का श्राद्ध करेगा, दूसरा भाई पिता का श्राद्ध करेगा, क्योंकि माता पिता की प्रॉपर्टी दोनों में बराबर बटी है, इसलिए दोनों भाई खर्चा भी बराबर ही करेंगे। एक भाई कौवे को खिलाएगा तो दूसरा भाई ब्राह्मण को खिलाएगा, दोनों भाई बराबर का खर्चा करेंगे, ना कोई कम करेगा ना कोई ज्यादा करेगा। और कथा प्रेमियों, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब चिताओं का भी बंटवारा होने लगेगा, एक भाई शमशान घाट का बिल भरेगा तो दूसरा भाई चिता की लकड़ियों का बिल चुकाएगा। बहने भी इस काम के अंदर नहीं किसी से पीछे, माता पिता की धन दौलत में अपना हिस्सा देखें, हिस्से की लालच में बहने लगी है श्राद्ध मनाने, इसके आगे अब क्या होगा रब की रब ही जाने, पितृ देवता स्वर्ग में बैठे रो रो करे पुकार, ऐसी औलादों को तो है लाख लाख धिक्कार, चीख रही पितरों की आत्मा देख लाल का हाल, ऐसी अगर औलाद न होती जीते और कुछ साल, स्वर्ग में पितृ देवता देखो नीर बहाते हैं, हाँ नीर बहाते हैं, पितृ देवता स्वर्ग में कैसे भोजन पाते हैं हम कथा सुनाते हैं। प्रेमियों, समय बड़ी तेजी से बदल रहा है, समय से 10 गुना तेजी से रिश्ते बदल रहे हैं, अब तो बेटियां भी अपने माँ बाप का श्राद्ध मनाने लगी हैं, पितृ पक्ष में दान पुण्य भंडारे करवाने लगी हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि पितरों के लिए श्राद्ध है या फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा जताने की श्रद्धा है। कुछ भी हो, लोग पितरों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पितृ अगर जिंदा होते जिंदा मर जाते वो, अपनी ही नजरों में गिरकर फिर मर जाते वो, ऐसी औलादों से अच्छा होते बे औलाद, जीवन और मृत्यु ये दोनों होते ना बर्बाद, रही पितरों की आत्मा बहे नैन से नीर, माता पिता ने कैसे पाई है अपनी तकदीर, जीते हुए ही सेवा कर लो करो न मौत के बाद, सुनो आज की औलादो तुम छोड़ दो करना श्राद्ध, कथा लिखी संजय ने प्रेम इसे गा के सुनाते हैं, हाँ गा के सुनाते हैं, पितृ देवता स्वर्ग में कैसे भोजन पाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जब जब आता है।